अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसा मेरा भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा सफर? सफर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो पता ही नहीं चला कराची। दिन बहुत जल्दी गुजर गए। अच्छा, तू बड़ी खुश है, वहां तो तेरा मुंह उदासा उदासा आवाज ही। और आगे लोग तो क्या कहते हैं, जब सहमा आती है उस वक्त इसकी बड़ी आवाज निकलती है। खून का जोश होता है। नहीं वैसे तो वो निशान वगैरह तो खत्म हुए कि नहीं? दोबारा दम करवाया था। हाँ, दम भी कहते, सूरत रहमान भी पढ़नी चाहिए। हाँ, सूरत रहमान भी, और भी इसको एक दो बताइए चीज़ें, वो करेगी तो इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपको यजमान की याद है? यजमान वालों तो आपको बहुत याद किया भाई। मैं यजमान की याद आई थी। हाँ। बस ये कि उधर फिर बाबर भी चला गया था दो तीन दिन से, फिर वो घर भी अकेला था, तो इस वजह से फिर उधर मेरे तो रूटीन ये होती थी कि इसके साथ भागो फिर बच्चों के साथ भागो, तो मैं तो सारा दिन भाग दौड़ में रहता था, तो लटका रहता था कभी इधर हो कभी इधर, इसकी फिक्र फिर बच्चों की फिक्र, क्योंकि ब्लॉग भी हमें बनाना जाना था, इसको नई जगह थी पता भी नहीं था बाहर कैसे जाना है क्या करना, तो फिर इसको भी रोज लेके जाना होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब सारी इसके ब्लॉग में जितना भी लोगों ने देखा है उन्होंने सब ने बोला है कि इसके ब्लॉग अच्छे हैं, क्योंकि नई जगह एक्सप्लोर करवा रही थी फर्स्ट टाइम, ये बोलने का अंदाज भी अच्छा था इसका, बोलने का भी फर्स्ट टाइम कराची गई है, फिर मजे की बात है फ्लावर एग्जीबिशन भी लगी हुई थी, उधर से बारिश भी हो गई, तो मतलब सारे जबरदस्त इसके वो चलता रहे ब्लॉग, लोग तो बहुत पसंद कर रहे थे। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि दूसरा, वैसे तो बड़ी हक सच की बात करती है, इंसाफ की बारी तो बात करती नहीं, अब इंसाफ किया है ना आपने? अब देखें अभी फैमिलियों में मुझे इस पे बड़ी तनकीद की गई है। बात क्या है, वो इंसाफ की बात लोग अभी भी मुझे बोल रहे हैं कि आप इंसाफ नहीं करते, मैं जितना भी कर लूँ ना जितना भी कर लूँ तो उन्होंने मानना नहीं, इसलिए मैंने अब बोलना ही छोड़ दिया। अच्छा भाई, मैं एक बात से आपसे नाराज हूँ। किस बात से? आपने ना आज के बाद किसी का करना नहीं। नहीं नहीं, बस वो तो समझ आ गया। अगर आज के बाद आपने किसी का किया ना भाई, आपने किसका नहीं किया मुझे पता, मुझे पता है। समझ आ गई है, जिस बंदे की मतलब हेल्प या मदद की है या जो भी की है उसने दूसरे दिन में जो है जूता दिखाया, भाई आपने नहीं करना। देखो आज जितने भी लोग हैं आपके मुकाम पे आपकी वजह से बैठे हैं, मुझे पता है आपने सारी हिस्ट्री इनकी सुनाई। बाद मैंने सबको सपोर्ट किया, अब जब वो उनका मसला निकल गया है वो बोलते हैं कि आप कौन हो भाई। अच्छा, मजे की बात है, तनकीद भी वही लोग कर रहे हैं, तनकीद भी वही लोग करते हैं, तनकीद भी वही लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस पे एहसान करो फिर उसकी शर से बचो। मैंने भी, इसने भी मुझे ये चीज समझाई है कि ना बस अपने काम पे फोकस रखो। हाँ जी। और बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि जो है ना बात वही है, अभी मैं तो जो है ना वो करता हूँ कि अल्लाह हर किसी को जो है ना अच्छा खाना पीना अच्छा पहने, हर हमारी सोच वही है क्योंकि हम तो नीचे से ऊपर गए, लेकिन लोग ये चीज नहीं समझते, लोग जैसे भी थोड़ा सा मकाम हासिल करते हैं फिर वो देखो आपके नाम के टैग यूज करते हैं, आपका नाम का टाइटल लगाते हैं और आपका नाम फिर बोलते भी आपको, ऐसा क्यों? बस वो बोलते हैं कि ना अगर भाई ये इंसानियत तो नहीं, फिर ये इंसान हुआ इंसानियत ना हुई। अगर आप किसी की भलाई करते हैं ना तो उसका सीधा अल्लाह से मांगो, इंसानों से कभी भी ना मांगे, क्योंकि ये कभी दे ही नहीं सकते। हम लोग तो देखे ना, अभी गर्मी आती है तो हम ठंड के लिए तरसते हैं कि जी ठंड होनी चाहिए थी, अच्छा ठंड होती है फिर बोलते हैं जी धूप होनी चाहिए, तो हम तो खुदा पे राजी नहीं, तो इंसानों पे क्या राजी होंगे। तो ये चीजें, बाकी डोरेमोन को जैसे आपने भेजा था उससे तो माशाल्लाह थोड़ा सा मैं इसको अच्छा करके लाया हूँ। क्या अच्छा किया? अच्छा, भाया लग गया इसको। अच्छा। साथ में इसको चश्मा भी लगा दिया है। अच्छा। बहुत देखती है, बहुत देखती है, ठीक है, तो इसको चश्मा। लैशेस तो वैसे भी बहुत अच्छी लगाई हैं। हाँ, लैशेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका चश्मा सबसे। अब मुझे भी कराची साथ लेके जाना, मैंने भी लगवानी है। लगा देगी नाना? चले चले चले, लगा देंगे। ठीक हो गया। और सनिया तुम बताओ कैसा रहा सफर कराची का? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसे तुम्हारे फेस से लग रहा है, वहीं वहां तो तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती, हम सबको परेशान करते। आई मीन ब्लड, बारिश वाले दिन मेरी तबीयत खराब हो, पानी की वजह से। ये उदास भी थी, सीधी बात है, ऐसे मैं बोलूं उदास ये भी थी, क्योंकि जाहिर बात है फर्स्ट टाइम ही फैमिली से निकली है, तो जितना हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, तो यही है ना, मैं इसको जितना भी मैंने इसको घुमाने फिराने की कोशिश की, मैंने कहा थोड़ा माइंड चेंज हो, लेकिन वो बात हो जहन घर इधर हानिया आपकी वो जहन में वही खड़ी हुई थी, घूम फिर के उसने वहां ठीक रहने, जब घर आने फिर वही सोच घूम जानी है, तो बस। तो फिर वैसे आपकी बहन का भी बहुत शुक्रिया, बहुत साथ दिया आपका। बस उसका भी, उसको भी अल्लाह खुश रखे, हम तो पहुंच गए थे उसके पास, लेकिन ठीक है चलो भाई, उसका मान तो रखा ना अल्लाह, उसको इसका अजर देगा, अल्लाह उसको खुश रखे, ठीक है, उसका बेबी भी होने वाला है, अल्लाह उसके वो सही सलामत पैदा हो, हमारे तो यही दुआएं हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी साथ नहीं दे रहा जिस टाइम पे उसने साथ दिया, तो उसका भी। अच्छा एक बात और क्लियर कर दे, ये जो
एक लड़की है, वाकई उसको आपने शादियों किस किस को लारे लगाए हुए मुझे थे ये समझ नहीं आती, वो मुझे क्यों नहीं मैसेज करती, पता वो नहीं डायरेक्ट है शायद। हाँ वो बोलती मुझे ब्लॉक किया हुआ है। कि हम उसको बोलो कि सैडी से बुला के मैं अभी बुला कर बोल तो सही फेस टू फेस बात तो कर, ये क्या तू लाइव में घुस जाती है तो मेरे साथ। भाई मैंने परसों दो मतलब मैंने कहा लोगों ने इसको पकड़ लिया, मैंने अब जो है ना पता क्या किया, व्हाट्सएप से ना सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे कोई तंग करता है मैं फौरन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने अब सब कुछ खत्म कर दिया, जैसे अभी आपने बोला ना बहुत हो गया, बहुत लोग बहुत हो गया सारा कुछ कर लिया भाई। मैं नहीं, मेरा मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, सिला नहीं मिलता, उससे बेहतर है अपनी लाइफ में खुश रहो। अब मैं ये है कि अगर इसके साथ या फातिमा के दोनों साथ चीट करता हूँ ना, ठीक है, तो फिर मुझे बस समझो मैं दोनों घरों से हाथ धो बैठूंगा। उससे बेहतर ये है कि जो है ना अपनी जो भी लाइफ है उसमें बस खुश रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ खुश रहे और अच्छी जिंदगी। एक बात और पूछूं, इंटरव्यू लेने दो, वो कह रहे हैं कि दूसरा ना बड़ी तनकीद इस बात पे, कुछ दिन के साथ के लिए सनिया को इसने साथ रखा है सिर्फ अपना न्यू कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, ये वो कैसी बात है। बहन अगर कॉन्टेंट बनाने की बात है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉन्टेंट बनाने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो शुरू से 50 या लाख व्यूज, अब व्यूज तो अब कम है। अगर कंटेंट ज्यादा आने चाहिए, अब क्यों फिर व्यूज कम है फिर कंटेंट। तो अगर मैं इसके साथ मतलब जैसे लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, लोग तो मतलब अलग अलग हिसाब के, मैंने तो ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिखाया, सिंपल हमारी जो डेली व्लॉगिंग होती है मैं तो वो चीज दिखा रहा हूँ। अगर मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता या व्यूज चाहिए होते तो मैं तो बहुत सारी चीजें फिर कर सकता था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने सिंपल जो आप देख रहे हैं पहले दिन से लेके अब तक, ठीक है, आज और दिन मेरे व्लॉग वही होगा जैसे मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। हाँ आपने वही रूटीन रखी है। उसके अलावा मुझे बताइए तो मेरी व्लॉगिंग में चेंजिंग आई हो या कुछ, हाँ चेंजिंग आई है कि ये आ गई है साथ में, इसके साथ आउटिंग पे निकल जाता हूँ, ठीक है, ये चेंजिंग है। उसके अलावा मुझे बताए कि मैंने कॉन्टेंट बनाने के लिए क्या इसमें वो किया, मुझे वो भी तो बताए ना। अच्छा मुझे एक बात सुनिए कि कल बहुत अच्छी लगी, मैंने भी वैसे सुनी है कि आपकी मम्मा पे भी इन्होंने तनकीद की है, तो कह रहे थे सनिया भी वैसी है, तो सनिया बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मुझे फख्र है कि मुझे अपनी माँ जैसा बोला। देखो ये होती है एक रिश्ते की बात होती है ना, देखो उसने अपनी सास को माँ समझा, उसने अपनी इज्जत बचाई ना, कितना अच्छा जवाब दिया, सबके मुंह बंद कर दिए। लेकिन जो इसने जवाब दिया ना सो का एक लेकिन वही बात है कि इनको मैं तो अब किसी का भी ना किसी की भी वीडियो नहीं देता। अच्छा मुझे तो आपकी वीडियो का भी नहीं पता ना इसकी वीडियो का, हालांकि आंदोलन तो साथ होते हैं ना, मैंने कभी इसकी वीडियो भी नहीं खोल के देखी, मैं भी नहीं देखती। मुझे ये है कि इंस्टाग्राम पे कोई अगर मैसेज कर, हाँ नदीम तो सारी रात देखता, नदीम तो चार चार घंटे की इसे कहती हूँ और लागे बंदे 3 बजे होते बैठे लोगों की लाइव लगाई होती है, मैं कहती हूँ सो जा। ये है कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे मुझे कोई लिंक भेज देता है तो मैं वहां से कोई क्लिप देख लूँ तो देख लूँ, वरना अदरवाइज मैं किसी के भी नहीं देखता। दुनिया जो मैंने अब एक चीज सोच ली है, मैंने अपने काम पे फोकस रखना है, अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहना है, बस दुनिया जाए बाहर में मुझे किसी। भाई ये बात मैंने आपसे पहले भी कही, भाई आप जितना भला करें, देखो सनिया ने बोला कि सदका तो हमारे नाम का खा रहे, मैं अलबत्त ये बात मुझे बुरी लगी, मैंने कहा सनिया को ताना नहीं था मारना चाहिए, लोग कौन सा नहीं देखते टाइटल, फिर तो देखो भाई गंदी मंदी शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई है, कितने प्यार से उस शक्ल को बुरा बोलना गंदा नाम को इज्जत। हमने एक वो सोच लिया है कि अगर किसी की हेल्प करनी भी होगी ना वो ही जाके थोड़ा सा मस्जिद में दे दो या किसी मजदूर को दे दो, वो दुआएं देता रहेगा, वो बेस्ट है सबसे, ठीक है। ये जो चैनलों वाली मदद है ना ये आप ये ना करें, ये अब नहीं हो की है ना, क्या सिला मिला, मैंने जिसकी भी की है ना जिसकी भी की है वो सिले जो है ना सब सामने आए और ये मुझे शुरू से पता है, लेकिन बस वो दिल था, लेकिन अब जो है ना बहुत तकलीफ होती है। अच्छा भाई आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जिन्होंने सनिया की फेक तस्वीर बना के लगाई है। मेरी बहन लगाने दे कोई बात नहीं, सनिया की शक्ल अजीब सी कर दी, मोटा सा मुंह, मैंने कहा उसका तो मुंह ही नहीं मोटा नीचे से, कोई बात नहीं अल्लाह खुश रखे उनको, फिर ये तो है अब थोड़ा सा झटका दो तो वही चीखना शुरू, बच्चों की रोजी का नहीं करने दे, कोई बात नहीं रोजी करो, ये होते ये है दिलबर भाई, देखो इनका कितना बड़ा दिल है, इसका अजर आपको अल्लाह ताला देना है। किसी को जो हम चाहते हैं हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तुम लोग इलाज कर दो कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। हाँ जी बस अल्लाह देख रहा है ना, तो ये देख ले भाई आप लोग बोलते हैं ना, ये हमेशा इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमारा प्यार और इज्जत और बहन भाइयों का रिश्ता हमेशा ऐसे कायम रखे। थैंक यू सो मच दिलबर भाई, कल से व्लॉगिंग करेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है, कल हानी के हैप्पी बर्थडे की हम तैयारियां करेंगे, आज से आज भाई आज और कल हम तैयारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल शाम को आपको
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी बेटी बहुत खुश हो गई है, पागल हो गई है खुशी से, खुश पागल हुई पड़ी है कसम से। तो मतलब भी है, वो बाहर अपने बैठी हुई है भाई, कल कल के व्लॉग में गिफ्ट आएंगे जो हमने उसको लेके दिए, इसलिए वो है भी बाहर उस गिफ्ट के साथ। गिफ्ट बहुत बड़ा है, कल आपको व्लॉग में गिफ्ट दिखेगा कि क्या गिफ्ट दिया था। चल थैंक यू सो मच दिलबर भाई, चाय पी ले ठंडी हो गई।